are at government model school in Goraya. There are four booths at this particular school. The voters have been waiting in queue for their turn to cast the vote. Let's talk to them. How do they feel in this scorching heat? And what are their expectations from whomever they are voting? And what do they feel? Let's talk to them. नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा प्रवीण भारद्वाज। राइट, कितनी देर हो गई लाइन में लगे हुए? हो ही गया, मेरा ख्याल है 30 से 45 मिनट। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कुछ फैसिलिटीज वगैरह का? गर्मी की तो प्रॉब्लम फेस हो ही रही है। तो कूलर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, और पानी भी नहीं है। राइट, क्या सोच के, क्या एक्सपेक्टेशंस रख के आज आप वोट कास्ट कर रहे हैं? वोट तो मैम हर साल हम एक ही सोच लेके आते हैं जब भी वोट पड़ती है, कि हमारे गुराया का पहले कुछ सोल्यूशन कर दे पानी का। अच्छा। पानी की निकासी नहीं है हमारे गुराया में। ओके, कितनी देर हो गई लाइन लगे? लाइन की तो 15 मिनट ही लगी है, बट थोड़ी गर्मी भी प्रॉब्लम करके ना। अच्छा, चलो लग जाएगा नंबर वगैरह। पर उत्साह देख रहे हैं कि भाई दुनिया का वोट दे प्रति कितना उत्साह है। अच्छा, देख रहे हो जेडी भी सरकार बने, की उम्मीद रख दो, की एक्सपेक्टेशन? देखो असि अपने वालों अपना कर्म कर रहे हैं, वो की कर दे है सानू सारी दुनिया देख ही रही है केड़ा चंगा कर रहा केड़ा। तुम्हारी ग्राउंड रियलिटी गुराया दे कुछ मुद्दे हो जेड़े काफी टाइम तो जमे मुद्दे तो एवें ही रहने जी, जेड़ी मर्जी सरकार आ जावे मुद्दे एवें दे एवें ही रहंदे आ, वादे वड्डे वड्डे कर जांदे आ, चाहे छोटा लीडर आ कोई वधिया काम करन भी लगदा ते ओदियां लत्तां खिंच लैंदे आ, ओह काम उत्थे दा उत्थे लै जांदे आ, ते ना तां इत्थे कोई सरकारी हॉस्पिटल आ, ते जे है भी ते ओदे विच प्रॉपर सानूं नहीं मिल रही मेडिसिन जां कुछ भी। फिर दूसरा ये एक पब्लिक नू रेलवे क्रॉसिंग का बड़ा सामना करना पै रहा घंटा घंटा, ईवन उधरलियां दुकानां वाले सारे ही जिन्हें भी है बड़ा पिंड रोड से ही सारे आ रहे हैं मकान वगैरह लैके, ये मेन मुद्दा सरकार ने साडा पुछाया जाए ना कि उत्थे अंडरपास ही भावें बना दिता जाए स्कूटर वाले कम से कम। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अमित पनौटा जी, मैं गुराया 31 नंबर बूथ के बच्चों वोट करवाया। आज वोट डालते टाइम क्या एक्सपेक्टेशंस थे दिल में, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाली सरकार से? आने देखिए अभी तक के लिए मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ और अभी तक मैंने 2018 में ही अपना बिजनेस शुरू करा, इससे पहले मैं भी एक सर्विस मैन था। तो जो मैंने अभी तक देखा कि हाँ GST के आने के बाद में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं, हर किसी इंसान को उसका प्रॉपर राइट मिला कि वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, अदरवाइज इट वॉज बॉन्डेड ओनली विद द स्टेट, बॉन्डेड विद इन द स्टेट, नाउ आई कैन वर्क एनी वेयर इन होल ओवर द पंजाब। कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के जैसे आपने कहा या बिजनेसमैन को एक इश्यूज होंगे, यू वांट दैट मस्ट बी एड्रेस्ड, अभी गुराया से कंसर्न कुछ ऐसे इश्यूज हो विच यू थिंक मस्ट? हाँ, अभी कुछ एक मान सकते हैं कि अभी ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे अभी थोड़ी सी दिक्कत जैसे आती है, हम इधर बहुत जल्दी कहीं देखते हैं कि अभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ मटेरियल जाता है टू एंड फ्रो होता है, तो धरने होते हैं कुछ और है, तो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमारा मटेरियल बहुत ज़्यादा लेट जाता है। फिर उसके बाद में गडकरी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, रोड्स बहुत अच्छी एक्सपेंड हो गई हैं, बहुत अच्छी मटेरियल मूवमेंट के लिए रोड्स हो गई हैं, बट जो बेसिक मूवमेंट के लिए हमें स्मूथ मूवमेंट चाहिए वो थोड़ी रुक जाती है ये धरना प्रदर्शन की वजह से या कुछ और, तो ये दिक्कतें कुछ एक हमें फेस करने को मिलती हैं। थैंक यू। वी हैव जस्ट सीन यू हैव अराइव्ड एट द बूथ टू कास्ट योर वोट, हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस व्हाइल यू कास्ट योर वोट? आई एम वेरी हैप्पी सी माय डॉटर, शी हैज कम फर्स्ट टाइम वोट एंड शी इज अंडर टेंपरेचर 101, देन इवन शी इज देयर बट इट्स 19, शी इज 19 नाउ, शी सेड मामा आई एम कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी जस्ट टू वोट। ओके, द वन एंड द वन फॉर आवर कंट्री भाजपा। राइट, सत श्रीकाल जी, की नाम थोड़ा? मेरा नाम निर्मल, आशा वर्कर VPO फुलड़ीवाल, HWFGCE वालों हेल्थ डिपार्टमेंट वालों मेरी ड्यूटी है। ठीक है, और हीट वेव द्वारा साडा डिहाइड्रेशन नु कंट्रोल करने दे लई साडा अज पोलिंग बूथ ते साडी ड्यूटी है। राइट, जिहदे विच ORS वगैरह हां कुछ होए बच्चे जिहड़े फर्स्ट टाइम वोटर्स आए होन, किसी नु लोड पई होए, कोई एक दो नु दित्ते ने, बाकी आपां बनाया आ, अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है तो आप इमीडिएटली इन्हें बुला सकते हैं। वी आर एट 92 बूथ नंबर इन जलंधर कैंट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड दिस इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जगदीप कुमार, ही इज ऑनरिंग विद सर्टिफिकेट टू द फर्स्ट टाइम वोटर। हेलो जी, की नाम थोड़ा? उदयवीर सिंह। फर्स्ट टाइम वोटर हो? आज फर्स्ट टाइम वोट पाई है?
ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ? ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਨ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਗਿਵ ਅ ਗੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਦੀ ਵੋਟਰਸ ਵਾਈਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਵੋਟ, ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਦਿਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ ਅਪ a total of 97 model booths in Jalandhar Lok Sabha constituency. Of these, 9 to 10 are pink booths which are solely being managed by women staff, and there is another booth managed by persons with disability and the young booth managed by young staff. And among these there is one booth that is green booth. We are here in green booth in Patia village in Filor. As you can see behind me, the entire decoration has been done in green. There is a green tent, there is a selfie booth, and the most attractive part is whosoever is coming to cast their vote, the polling staff here has been gifting them a sapling in return. So we'll talk to the presiding officer here about how what is the population of this village, how many votes since morning has been polled, and how many saplings have been distributed. Let's talk to you. Kya naam hai aapka? Prindu Kaur. First time vote dali hai, pehle bhi aap dal chuke hain? Pehle bhi dal chuke hain. Kaisa laga aapko plant mila abhi aap vote dal ke aaye ho? Bahut acha, hamare environment ke liye, jaise pollution ke liye, aur jitni garmi hai oxygen hame milti hai, like हवा का एक मतलब यही नेचुरल जो है नेचर ही है। मतलब ये आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा कि एक मैसेज जा रहा है? जी राइट, सभी को एक एक लगाना चाहिए और इसकी बाद में केयर करनी, इसको इतना होकर बड़ा करने तक वेट करना, और इसका बेनिफिट तो फिर सबको ही होगा। थैंक यू। नाम जी कौन? दिनेश गुप्ता। ओके, ए ग्रीन बूथ आपा बनाया है, डेफिनेटली एनवायरमेंट नो कंसिडर कर दो, एक मैसेज देते हुए। ਕਿੰਨੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ? 538 ਵੋਟ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸਵੇਰ ਤੋਂ? 331 ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਬੂਥ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜੀਪ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹ ਬੂਟਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਉਣ ਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋਏ। ਦੁਲੇਤਾ ਵਿਲੇਜ ਇਨ ਗੋਰਾਇਆ, A clash has been reported here in the morning around 8:15, where some youngsters of this village objected the BJP workers from holding their booth here. So we'll talk to them and know what exactly happened. It has been learned that those who actually stopped them from having their booth here has been detained by the police. And also one person has been injured who is undergoing treatment as of now. So we'll directly ask them what actually happened. Ki naam ji toda? Mera naam hai Dasvinder Kumar. Tusi booth te worker ho? Haan ji, booth da main worker hai. Jidda ji pehla vi booth launda Kamaljeet hai, jehda munda mure worker si, jidda ohdi apne gott tutt gaya hai, ohde danga ja ke mari gaya hai, oh hospital dakhle hai. Sanu shuru to dasso svere kinne baje da incident hoya ki si? ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ? ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੂਥ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸੁੱਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਦੋ ਜਣੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਡਾਂਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਆ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਦੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗੋਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦਾਖ ਲਿਆ ਹੋਰ ਗੁਰਾਇਆ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਬੜੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਥ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੀ ਜਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ ਸੀ
ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਦਮ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੂਥ ਕਾਹਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੂਥ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਤੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।